माजी में इदारे हुकूमत बनाते गिराते रहे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासी मुदाखलत से किनारा करना खुशाइद बात है। कौम के मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि माजी में इदारे हुकूमतें बनाते रहे, आज भी विफाक पंजाब और सरहद में इलाही इदारों के तावन से हुकूमतें कायम हैं। आज ISI के DG कह रहे हैं कि हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन माजी में ऐसा नहीं कहा गया। माजी में इन्हीं इदारों की सपोर्ट से सियासी पार्टीज को इकतदार मिलता रहा, सियासी जमातों ने इन्हीं इदारों के कंधों के सहारे इस्तेमाल किए। पार्टियों की वजह से मुल्क का बुरा हाल है और इदारे तबाह हाल हैं। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई, और हमारा वजीर आजम आज भी कभी चाइना और कभी सऊदीया जाकर इमदाद मांगता है। हमारे मुल्क की अदालतों में इंसाफ चेहरे और जेब देखकर मिलता है। जमात इस्लामी अकेले इन सियासी दहशतगर्दों और बैन अल-अक़वामी एजेंट्स के खिलाफ जहाद कर रही है।